नमस्कार मित्रों, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं डॉक्टर राघव एक बार पुनः सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि चित्रात्मक प्रस्तुति जो है भाषा दृष्टि की समसामयिक घटना चक्र ने की है। ये चित्रों के माध्यम से जो है पूरी सामान्य हिंदी और जो है साहित्य के तथ्यों को उस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जो मार्केट में मित्रों उपलब्ध है। इसको आप लोग ले लीजिए जितना शीघ्र हो। और हम अपने चैनल पे, हम जो है समसामयिक घटना चक्र के चैनल पे इस पुस्तक का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। इसके माध्यम से आपको सामान्य हिंदी पूरी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और जो है साहित्य के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज मित्रों हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आज जो है वाक्य संरचना। वाक्य क्या है इसकी बात हम करेंगे। अपने भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी जो प्रस्तुति हमारी हुई है चित्रात्मक, उस पुस्तक के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। वाक्य परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है वाक्य संरचना क्या है। देखिए, वाक्य संरचना या वाक्य विचार ये परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है वाक्य क्या है, ठीक है, वाक्य कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ जो है वाक्य को समझते हैं। वाक्य होता क्या है मित्रों? ये जो है विचारों को पूर्णता प्रदान करने वाला क्या है, ये पद समूह होता है। क्या होता है? विचारों को पूर्णता प्रदान करने वाला क्या होता है? वाक्य होता है। अब देखिए, अलग अलग जो है विद्वानों ने परिभाषा भी दी है वाक्य की। एक विद्वान है पंडित विश्वनाथ जी, उन्होंने क्या कहा है, योग्यता आकांक्षा, ठीक है, आसक्ति अर्थात समीपता ही क्या है, पद समूह वाक्य है। इन्होंने वाक्य की परिभाषा दी है, अर्थात वाक्य के लिए क्या क्या होना चाहिए। मित्रों देखिए, वाक्य के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये जो है सार्थक शब्दों का चयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्थक शब्दों का चयन होना चाहिए, ठीक है, ये एक वाक्य के लिए। दूसरा जो है वर्तनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात वर्तनी होनी चाहिए क्या, शुद्ध रूप में होनी चाहिए। और व्याकरणिक संरचना भी होनी चाहिए, व्याकरणिक संरचना, ये व्याकरणिक संरचना भी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक वाक्य के लिए जो अर्थ प्रदान करने जो होता है पद समूह, अर्थात उसमें जो पद रहेंगे वो सार्थक पद होने चाहिए, वर्तनी उनकी शुद्ध होनी चाहिए। और व्याकरणिक संरचना, व्याकरणिक संरचना का मतलब ये है कि जो उस वाक्य में कर्ता है, क्रिया है, लिंग वचन कारक है, ठीक है, इसका सही प्रयोग होना चाहिए मित्रों। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग वाक्य को, कितने वाक्य के भेद होते हैं, अभी हमने वाक्य को समझा। क्या होता है वाक्य? विचारों की पूर्णता प्रदान करने वाला जो पद समूह होता है उसी को मित्रों क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसको हम समझेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं थोड़ा वाक्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वाक्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं पहले इसको देख लेते हैं। वाक्य की विशेषताएं देखिए क्या है, वाक्य भाषा की लघुत्तम पूर्ण एवं सार्थक इकाई है। सार्थक मतलब अर्थ सहित, क्या है, सार्थक मतलब अर्थ सहित, भाषा की लघुत्तम पूर्ण एवं सार्थक इकाई है। वाक्य से तात्पर्य क्या है, वाक्य से तात्पर्य जो है निश्चित, निश्चित अर्थ की प्रतीति है, अर्थात एक वाक्य में संपूर्ण अर्थ की व्याप्ति होगी, अर्थात संपूर्ण अर्थ क्या होगा, प्रतीत होगा। वाक्य में एक पद या अनेक पद हो सकते हैं, कहने का मतलब यह है कि एक वाक्य में एक भी हो सकता है पद और एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। आगे देखिए, वाक्य के द्वारा तात्कालिक दृष्टि से, तात्कालिक मतलब तुरंत, दृष्टि से अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि वाक्य से तुरंत क्या है, तुरंत ही तत्काल जो है उसकी क्या है, अर्थ की अभिष्टि हो जाती है, अर्थात अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है वाक्य से, ठीक है। तो मित्रों आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, पदबंध या वाक्यांश क्या है, इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि वाक्यों में कई जो वाक्य में पदबंध या वाक्यांश भी होते हैं। वाक्यांश का मतलब यह है कि एक वाक्य का जो अंश होता है उसको वाक्यांश या पदबंध भी कहते हैं। अब देखिए, इसको भी समझना जरूरी है, ये क्या है पदबंध और वाक्यांश, क्योंकि इसका भी संबंध किससे है मित्रों, इसका भी संबंध जो है वाक्य से होता है। पदबंध है क्या, वाक्य का वह भाग है, अर्थात वाक्य का वह अंश है जिससे एक से अधिक पद परस्पर क्या है,
संबंध सबद्ध होकर क्या करते हैं, अर्थ दो दें, किंतु पूरा अर्थ स्पष्ट ना हो उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य का वह एक अंश, वाक्य का एक अंश वह अंश होता है, कहने का मतलब यह है कि वो पद क्या है, संबद्ध तो होते हैं परंतु पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। यानी ये वाक्य का क्या है, वाक्य का एक अंश होता है जो पूरा अर्थ स्पष्ट वाक्य का नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। पदबंध का शब्द क्रम निश्चित होता है, शब्द क्रम का मतलब यह है कि एक निश्चित जो है क्रम होना चाहिए, क्रम का मतलब कर्ता है, कर्ता के बाद क्या आना चाहिए, क्रिया आना चाहिए, क्रिया के बाद एक जो है उसमें विभक्ति चिन्ह होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, कहने का मतलब यह है कि उसकी निश्चित एक क्रम होना चाहिए। आगे देखते हैं, पदबंध में एक से अधिक पद हो सकते हैं, कहने का मतलब यह है कि इसमें एक या एक से अधिक भी जो है पद हो सकते हैं। पदबंधों की परस्पर संबंधता और क्रमबद्धता से सार्थक वाक्य बनता है, कहने का मतलब यह है जो पद पदबंध रहेंगे अर्थात जो वाक्य के अंश रहेंगे उस वाक्य के अंश की जो संबद्धता होगी और उसकी क्रमागत अर्थात क्रमबद्धता होगी उससे एक सार्थक अर्थात उससे एक अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। क्या बनेगा, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। पदबंध केवल वाक्यांश होता है, क्या होता है, पदबंध केवल जो है वाक्यांश होता है। जैसे अब हम बात हो जाएं करें, एक उदाहरण आपको देखते हैं वाक्यांश का, वाक्यांश का एक हम उदाहरण आपको देते हैं, यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यहां देखिए हम लिखते हैं यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब देखिए मित्रों, यहां आप देखिए, अब उत्तीर्ण हो जाओगे क्या है, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये पदबंध हो जाएगा। लेकिन पदबंध यदि एक से अधिक है और ये एक अलग जो है पद हो गया, यानी यदि परिश्रम करोगे ये एक अलग पद है और उत्तीर्ण हो जाओगे ये एक अलग पद है, और यहां पर वही चीज कह दिया, कहा जा रहा है कि पदबंधों की परस्पर संबद्धता और क्रमबद्धता से सार्थक वाक्य बनता है। कहने का मतलब यह है कि दो अलग अलग, एक ये हो गया और एक जो है आपका ये हो गया, ये एक और दो जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ये क्या बन गया, एक जो है सार्थक वाक्य बन गया, क्या बन गया, एक सार्थक वाक्य। पदबंध केवल वाक्यांश होता है, वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश अर्थात वाक्य का एक भाग होता है, वो क्या होता है, पदबंध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए, अब देखिए वाक्य के हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाक्य के भेद पढ़ेंगे मित्रों, क्या पढ़ेंगे, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कितने होते हैं, विभिन्न आधारों पर वाक्य के भेद बताए गए हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि रचना के आधार पे, रचना के आधार पे, रचना या निर्माण के आधार पे वाक्य के हमारे तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितने होते हैं मित्रों, सरल वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और संयुक्त वाक्य परस्पर मित्रों क्या है, दो वाक्यों से मिलकर बनते हैं। अभी हम लोग विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। और मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में जो है एक उपवाक्य होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि रचना के आधार पर तीन वाक्य होते हैं, कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और जो है मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे चलते हैं, अर्थ के आधार पर भी देखिए मित्रों, अर्थ भाव के आधार पर, अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। देखिए ये
अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, कौन कौन से? विधि सूचक या विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक या निषेध सूचक वाक्य, तीसरा क्या है आज्ञार्थक, आज्ञार्थक या आप कह सकते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, चौथा क्या है मित्रों, चौथा प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य होता है। आगे देखते हैं इच्छावाचक, इच्छावाचक या आप कह सकते हैं इच्छात्मक वाक्य, संदेहवाचक, कहने का तात्पर्य है कि संदेह सूचक वाक्य, सातवां हमारा क्या है संदेहवाचक या आप संकेत सूचक कह सकते हैं। आगे देखिए विस्मयवाचक या विस्मयादि सूचक वाक्य, ये हमारा क्या है ये आठवां है, यानी अर्थ या भाव के आधार पर मित्रों ये कितने भाग हैं हमारे, अर्थ जो है वाक्य के 8 भाग या 8 भेद हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए एक एक को हम स्पष्ट करेंगे, जो हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताए थे, अभी आपको 3 भेद बताए गए थे, सरल, सरल वाक, संयुक्त वाक और मिश्र वाक, अब हम उसका क्या है पूरा विश्लेषण करेंगे कि सरल वाक्य होता क्या है। देखिएगा सरल वाक्य क्या है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, क्या होता है मित्रों, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए यहां दे रहे हैं मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या है मित्रों, मोहन उद्देश्य है और पढ़ना क्या है ये विधेय है आपका, पढ़ता क्या है, पढ़ता है जो है क्या है विधेय है। कहने का मतलब ये है कि हम और आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हमने कह दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, यहां एग्जांपल लिख रहे हैं राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए यहां पे मित्रों क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है क्या उद्देश्य क्या है, यहां उद्देश्य क्या है, यहां जो है राम उद्देश्य है और राम क्या है और पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है पढ़ना क्या हो जाएगा, पढ़ना जो है आपका पुस्तक पढ़ता है, यहां से देखिएगा यहां से पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा विधेय, और राम क्या है, राम जो है आपका ये क्या हो जाएगा मित्रों, ये उद्देश्य हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है मित्रों उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम और उदाहरण दें, जैसे मीना नाचती है, तो मीना क्या है, मीना इसमें उद्देश्य हो जाएगा और नाचना क्या हो जाएगा, नाचना जो है विधेय हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। दूसरा एग्जाम्पल भी यहां लिखा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विदेश नीति विषयक भाषण देंगे, यानी भारत के प्रधानमंत्री ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और कल विदेश नीति पर विषयक भाषण देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका विधेय हो गया मित्रों, क्या हो गया, विधेय हो गया। आगे देखिए, आगे दूसरा है हमारा मिश्र वाक्य, कौन सा है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्या कहता है, इसमें एक प्रधान सरल उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित क्या है, सरल वाक्य होते हैं, यानी एक प्रधान वाक्य हो जो है, प्रधान जो है सरल उपवाक्य और फिर उसके अधीन क्या है उपवाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, जब मेरा भाई मोहन घर लौट कर आएगा, अब देखिए घर लौट कर आएगा ये क्या है, इस पे आश्रित है, क्योंकि जब आप देखेंगे, जब एक हमने वाक्य कहा जब मेरा भाई मोहन, यानी जिसके बाद दूसरा जो हमारा वाक्य आएगा उस प्रथम वाक्य में जब आश्रित होता है और आश्रित होने के बाद ही जब अर्थ स्पष्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे तब मैं तुरंत उन्हें यह पुस्तक दे दूंगा, अब तब मैं तुरंत आपको समझ में आ गया कि इसके बाद भी कुछ है क्योंकि अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, मिश्र वाक्य में जो आंशिक वाक्य होता है अर्थात जो आश्रित वाक्य होता है उसी से मिलके जो है वाक्य स्पष्ट होता है। जैसे हमने कहा तब मैं तुरंत, अब तब मैं तुरंत वाक्य क्या है, स्पष्ट नहीं है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, उन्हें यह पुस्तक दे दूंगा, यानी इस पे जो है आश्रित है, यानी जब आश्रित वाक्य होता है जिससे अर्थ स्पष्ट होता है उसको क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं।
ठीक है। यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। जैसा कि अभी हमने इसके पहले एक एग्जांपल बताया था, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करना और उत्तीर्ण हो जाना एक दूसरे पे क्या है, दूसरा वाक्य प्रथम पे आश्रित है, इसलिए मिश्र वाक्य होगा। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं। ये जो है प्रायः और इसलिए शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे क्या है, उदाहरण देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह शीघ्र ब्रिटेन जाने वाले हैं। और देखिए, और योजक चिन्ह जहां आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि क्या है मित्रों, संयुक्त वाक्य है। अर्थात दो वाक्य क्या होते हैं, दो पूर्ण वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हैं, यानी उपवाक का मतलब दो वाक्य होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहां तक आपका एक वाक्य हो गया, ठीक है, और एक वाक्य के बाद यहां से दूसरा और योजक चिन्ह लगने से दूसरा वाक्य, वहां जाकर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से कहेंगे कि आप सहयोग के लिए कदम बढ़ाएं। कहने का मतलब यह है कि दो उपवाक्य हैं। और भी हम उदाहरण देते हैं, जैसे सरल उदाहरण देखिए, मैं आया और वह गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, मैं आया और वह गया। अब देखिए, ये वह गया एक वाक्य है और मैं आया ये, यानी और योजक चिन्ह से, और जो है योजक से, ये जो है मैं आया और वह गया, ये और शब्द लगने से क्या हो गया, दो उपवाक्य हो गए। और दो उपवाक्य मिलके एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं मित्रों, जैसा कि हमारी परी जो है ये आपकी परिभाषा में स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे भेद कौन कौन से हैं मित्रों। अर्थ के आधार पे जो है आठ भेद अभी हमने आपको बताया है। ये आठ भेद कौन कौन से हैं, अर्थ के आधार पे वाक्य में सामान्यतः आठ प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला विधिवाचक वाक्य है। ये विधिवाचक वाक्य होता क्या है, इसको देखिए, वह वाक्य जिससे किसी बात के होने का बोध होता है, क्या होता है, होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है, पश्चिम में डूबता है। सूर्य जो है पश्चिम में डूबता है, यहां लिखिए सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये क्या है, ये जो है आपका, ये क्या है, विधिवाचक वाक्य है, यानी वह वाक्य जिससे किसी बात के होने का बोध होता है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, यह होने का बाद बोध होता है, अर्थात ये क्या है, विधिवाचक वाक्य है। और विधिवाचक के यहाँ उदाहरण हमारे दिए हुए हैं पुस्तक में, देखिए ये कह रहे हैं मिश्र विधिवाचक वाक्य, अर्थात विधिवाचक है लेकिन मिश्र वाक्य भी है ये, यानी कि एक आश्रित उपवाक्य है। जब मैं भोजन खा चुका तब वह गया, क्या है, जब मैं भोजन खा चुका तब वह गया, अर्थात इसमें किसी बात के होने का बोध होता है, ठीक है। अब देखिए, वह जा चुका यहां भी होने का बोध हो रहा है, ये जो है विधिवाचक वाक्य है। सरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय का बोध होता है। संयुक्त विधिवाचक वाक्य क्या है, संयुक्त अर्थात विधिवाचक वाक्य पहले समझिए, उसने भोजन खाया और उसकी भूख मिट गई, यानी यहां भी क्या है, किसी बात के होने का बोध होता है। और चूंकि और शब्द लगा हुआ है, और योजक चिन्ह लगा हुआ है, और योजक शब्द जो है लगने के कारण क्या है, अभी हमने बताया संयुक्त वाक्य और शब्द से, अर्थात और जो है अगर ये लग जाए योजक तो इसका बोध कराता है, यानी दो उपवाक्य हैं, उसने भोजन खाया और उसकी भूख मिट गई, उसकी भूख मिट गई एक उपवाक्य, और उसने भोजन खाया एक उपवाक्य, यानी दो उपवाक्य मिलके एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ संयुक्त भी है और विधि इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी बात के होने का बोध हो रहा है, यानी उसने भोजन खाया और उसकी भूख मिट गई, यानी होने का बोध होने के कारण ये विधिवाचक है। आगे देखिए,
आगे है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, निषेधवाचक क्या होता है मित्रों, यहां देखिए जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध हो, क्या हो, किसी बात के ना होने का जहां बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे निषेधवाचक। जैसे माला नहीं नाचेगी, एक उदाहरण यहां लिखिए, माला नहीं नाचेगी, माला नहीं नाचेगी। अब यहां देखिए ये नहीं शब्द आने के क्या है, ये जो है निषेधवाचक वाक्य में नहीं शब्द प्रायः क्या, प्रायः आते ही हैं। नहीं शब्द आने से क्या हो जाता है, वाक्य नकारात्मक या निषेधवाचक हो जाएगा। अब यहां एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने पानी नहीं पिया, नहीं शब्द क्या है, नकारात्मकता का बोध कराता है, इसलिए क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। सरल वाक्य भी हम इसको कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि एक उद्देश्य और एक विधेय की बात हो रही है। हमने क्या है, ये आपका उद्देश्य हो गया, और पानी नहीं पिया क्या है, विधेय हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये भी क्या है, निषेधवाचक है, क्योंकि नहीं शब्द लगा हुआ है, मैंने पानी नहीं पिया, ये जो है निषेधवाचक वाक्य भी है। ठीक है, अब ये मिश्र वाक्य भी इसलिए है कि मैंने पानी नहीं पिया इसलिए मैंने भोजन नहीं किया, यानी ये जो है इसलिए मैंने भोजन नहीं किया आश्रित है मैंने पानी नहीं पिया पर, यानी कि एक उपवाक्य हो, जब आश्रित उपवाक्य हो वो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। अर्थात प्रथम वाक्य का, प्रथम उपवाक्य का अर्थ दूसरे से निर्भर होता है या स्पष्ट होता है, दोनों मिलके वो क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। और देखिए यहां एक और दिया है, मैंने पानी नहीं पिया इसलिए मैंने भोजन नहीं किया, ये क्या है, ये इसी का क्या है, वही सेम एग्जाम्पल है, वही इसका रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा है, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध हो, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध हो वो क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। मित्रों क्या होता है, आज्ञावाचक, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध हो वो क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम जाओ, ये क्या है, ऑर्डर का बोध हो रहा है, आज्ञा का बोध हो रहा है, जैसे तुम जाओ। ठीक है, और भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे हम कह सकते हैं अपना अपना काम करो। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए आप, अपना अपना काम करो। अब देखिए यहां भी क्या है, यहां भी आदेश की बात हो रही है, अर्थात आज्ञा की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, ठीक है, यहां पे आज्ञावाचक वाक्य होगा, क्योंकि जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, ठीक है, वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग, आगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है मित्रों, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, क्या हो, प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसमें क्या है, वो जो है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य मित्रों क्या होता है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना क्या है, अनिवार्य है। प्रश्नवाचक चिन्ह में जैसे आप एक उदाहरण देखिए, और तुम्हारा घर कहाँ है, यहां देखिए तुम्हारा घर कहाँ है, यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। और ये कहाँ, यानी कि आप यहां देख सकते हैं ये चंद्रबिंदु, ये कहाँ है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूरी है, और किसी भी प्रकार के प्रश्न का बोध हो, यानी तुम्हारा घर कहाँ है, यानी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो किसी भी प्रकार के प्रश्न का भी बोध हो रहा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसमें लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा ये मित्रों, ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा, क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखिए इच्छावाचक वाक्य।
इच्छावाचक मित्रों वाक्य क्या है? इच्छावाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है, क्या होता है? जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का जहां बोध होता है वहां पे क्या होता है? वहां पे इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम हर कार्य में सफल रहो, क्या है? तुम हर कार्य में सफल रहो। और भी इच्छावाचक वाक्य है, जैसे हम कह सकते हैं, एक और उदाहरण देखिए, ये देखिए, नव वर्ष मंगलमय हो। अब देखिए, नव वर्ष मंगलमय हो, ये भी क्या है? ये भी जो है इच्छावाचक वाक्य होगा, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है, और नव वर्ष मंगलमय हो ये क्या है? ये शुभकामना का बोध है। जैसे और उदाहरण देखिए, भगवान करे आपका सब काम हो जाए, यानी हमारे क्या है, इच्छा है कि भगवान करे आपका सब काम हो जाए, ये भी मित्रों क्या है, ये भी इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं विस्मय वाचक वाक्य। विस्मय वाचक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विस्मय अर्थात क्या होता है विस्मय का मतलब? विस्मय का मतलब मित्रों होता है आश्चर्य, जहां पे अत्यधिक आनंद, आश्चर्य जहां पे अत्यधिक आनंद की बात होती है, ठीक है, अत्यधिक शोक की बात होती है, दुख की बात होती है, विस्मय की बात होती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है बोध होता है। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है वहां क्या होता है मित्रों? विस्मयादि वाचक या विस्मय वाचक वाक्य का बोध होता है। जैसे अरे उसकी टांग टूट गई। अब देखिए यहां पे विस्मय वाचक वाक्य में विस्मय बोधक चिन्ह का भी होना जरूरी है। क्या है? विस्मय बोधक अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह भी जरूरी है। ठीक है, जैसे ये आप कह सकते हैं अरे, ये विस्मयादि बोधक आपने चिन्ह लगा दिया और यहां लिख दिया अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। अब देखिए अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, अब यहां देखिए अरे शब्द के बाद अरे क्या है? आश्चर्यचक बोध है, विस्मयादि बोधक और शब्द है, और ये चिन्ह क्या है? ये चिन्ह का होना जरूरी है विस्मयादि बोधक वाक्य में। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, यहां पे क्या है? ये विस्मयादि वाचक वाक्य है, क्योंकि यहां पे क्या है, आश्चर्य का बोध हो रहा है, और जिस वाक्य में आश्चर्य हो, दुख या सुख का बोध हो, वहां पे क्या है, विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। ठीक है, आप उदाहरण देखिए, यहां लिखा हुआ है अरे उसकी टांग टूट गई। अरे शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है और उसकी टांग टूट गई अर्थात आश्चर्य की बात है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भी आश्चर्य का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा मित्रों? ये जो है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य है। आगे देखिए संदेह वाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के संदेह होने का बोध होता है, क्या बोध होता है? संदेह होने का बोध होता है। जैसे उसने बुलाया होगा, संदेह वाचक क्या है? उसने बुलाया होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, वर्षा होगी तो फसल, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। एक उदाहरण और देख लीजिए, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ये भी मित्रों क्या है? ये जो है ये संदेह वाचक वाक्य है। क्या है? ये संदेह वाचक वाक्य है, यानी जिस वाक्य में किसी बात के संदेह होने का प्रकट हो, यानी वर्षा होगी तभी फसल होगी, ठीक है, वर्षा होगी तभी अच्छी फसल होगी, यानी संदेह की बात है, यानी वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। जहां संदेह का बोध होता है वहां पे क्या है? संदेह वाचक वाक्य होता है मित्रों। आगे चलते हैं, आगे देखें संकेत वाचक वाक्य क्या है। संकेत यानी कि
इशारा, जब वाक्य के वाक्यांश एक दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी संभावना की जहां बात होती है वहां पे संकेत वाचक वाक्य होता है। जैसे आंधी ना आती तो पेड़ ना गिरते, यानी आंधी ना आती तो पेड़ ना गिरते, ये क्या है, ये संकेत वाचक वाक्य है। क्या है, संकेत वाचक वाक्य है। यदि तुम जाओ तो मैं भी जाऊं, यदि तुम जाओ तो मैं भी जाऊं, ये भी क्या है, ये भी मित्रों संकेत वाचक वाक्य है। क्या है, संकेत वाचक वाक्य है, ठीक है। अब देखिए वाक्य के बाद हम देखिए कुछ इसमें वाक्य शुद्धता में भी ध्यान देते हैं, कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य की शुद्धता में हम जो है किसका प्रयोग बता रहे हैं, चाहिए तथा चाहिए, अर्थात ए और या में ए की मात्रा, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है वाक्य में, हमें नहीं स्पष्ट हो पाता है कि हम क्या लगाएं, चाहिए लगाएं कि ये वाला चाहिए, अर्थात या में ए की मात्रा है और या ए है, ये देखिए ये बहुत कंफ्यूजन होता है। यहां देखिएगा या इसलिए, या इसलिए, यहां पे इसलिए का प्रयोग शुद्ध है, क्यों शुद्ध है, ये देखिए इसलिए तथा इसलिए में क्या है, इसलिए शुद्ध होना चाहिए, और यहां पे चाहिए तथा चाहिए में ये चाहिए वाले का अर्थ क्या है, ये शुद्ध होना चाहिए। आगे देखिए नए, नई तथा नई और नई शब्द का सही प्रयोग, यानी या में ई की मात्रा और बड़ी ई, इसमें कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, कहां पे क्या प्रयोग करते हैं इसे देखते हैं। जिस शब्द के अंत में या वर्ण आए, क्या आए, शब्द के अंत में या वर्ण आए, जैसे कि गया, गया शब्द लिखा है, यानी कि यहां पे क्या है, आवर्ण है, यानी या वर्ण आए, गया में या वर्ण आया है, उसका बहुवचन बनाने में क्या होगा, बहुवचन बनाने में आप जो है यानी ई का प्रयोग करेंगे, ये वाले ई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि गया क्या है, गया क्रिया है, और क्रिया में क्या हो, क्रिया में जो है बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होंगे, बड़ी ई का प्रयोग नहीं होगा। यानी हम इस प्रकार अगर लिखते हैं तो ये क्या माना जाएगा, ये अशुद्ध है, और ये क्या माना जाएगा, यहां पे शुद्ध है, यानी ये और ये का प्रयोग होगा। जैसे गया, गया में गई होगा और नया में नई होगा, ठीक है, नया शब्द में आप जो है ये नई का प्रयोग करेंगे, ना कि जो है नई का, ये जो है ये गलत माना जाएगा, ठीक है, और ये शुद्ध माना जाएगा। तो मित्रों नए और नई का हमने अर्थ समझा, इसलिए और इसलिए का अर्थ समझा, यानी या में ए की मात्रा और ए दोनों का कहाँ प्रयोग करना है, इसमें आपको समझ में आया होगा, स्पष्ट कर दिया हमने। आगे चलते हैं, आगे देखिए लिए तथा लिए शब्द का सही प्रयोग, यहाँ भी थोड़ी सी गलती हो जाती है जो बहुत बड़ी हो जाती है। अब देखिए जो लिए शब्द है और लिए शब्द हैं, लिए शब्द क्या है, लिए शब्द प्रायः क्रिया के अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वह पुस्तक को बाजार से लिए हैं, यहां आप देखिए लिए क्या है, ये लिए जो है मित्रों क्रिया है, और ये जो लिए शब्द है ये वाला, जहां क्रिया का प्रयोग हो वहां लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि मूल शब्द क्या है, लिया है, किंतु जहां अव्यय रूप में यह आए वहां लिए का प्रयोग होता है। जैसे उसके लिए मैंने गीत गाया, तो ये लिए क्या है, अव्यय है, यानी अव्यय शब्द में आ जाए तो आप ए का प्रयोग करेंगे, और यदि क्रिया रूप में आ जाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ये का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आगे देखिए किए तथा किए शब्द का प्रयोग, वही चीज हमने बताया अभी जो पहले, मूल शब्द धातु क्रिया है, क्या है, क्रिया है, अतः बहुवचन बनाने में क्या होगा, किए होगा, ना कि किए। जैसे सभी लोग मेरी सहायता किए, यहां भी क्या है, ये किए जो है शुद्ध है। और गए, गए तथा गई शब्द का भी हमने बताया, मूल शब्द क्या है मित्रों, गया है, इसलिए जो शुद्ध होगा क्या होगा, गई होगा, शुद्ध क्या होगा, गई, क्योंकि अभी हमने बताया गया क्या, गई हो जाएगा। और चूंकि ये गई और गए का प्रयोग क्या है, अशुद्ध है, ये अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि गए, गया क्रिया में उसका जो बोध होगा स्त्रीलिंग में, वो क्या होगा, या में ई की मात्रा अर्थात गई होगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। तथ्य का मतलब यह है कि अशुद्ध और शुद्ध वाक्य हैं, वे भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य बनाने के लिए शब्दों का सार्थक सही क्रम होना चाहिए, व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए, शब्दों का सार्थक चयन होना चाहिए। अब देखिए, अशुद्ध वाक्य यहां लिया हुआ है, बैल और बकरी एक खेत में चरती हैं। देखिए, एक खेत में चरती हैं, यहां ध्यान देना होगा, बैल पुलिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है, एक पुलिंग और एक स्त्रीलिंग, और बना किसको दिया, क्रिया, क्रिया को स्त्रीलिंग बना दिया, चरती हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, यहां पे चरते शब्द आएगा, क्योंकि यहां पे दो हैं, बैल है और बकरी है, यानी यहां पे एक वचन नहीं, यहां पे बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि बैल क्या है, बैल पुलिंग शब्द है, इसलिए यहां पे क्या होगा मित्रों, चरते होगा, बहुवचन चरती नहीं बल्कि क्या है, एक वचन है, चर चरती। ठीक है, जैसे बहुवचन क्या होंगे, चरते होंगे। इसके बाद देखिए, उसके अनेकों नाम हैं, अनेकों मित्र सही नहीं है, वर्तनी अशुद्ध है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, क्या है, अनेक, इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहां पे ये क्या है, यहां पे वचन संबंधी करती है, यानी ये वर्तनी ही गलत है, अनेकों नहीं बल्कि शुद्ध वर्तनी क्या होती है, अनेक होता है। आगे देखिए, आगे और कुछ वाक्य दिए हुए हैं, ये जो है, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। मित्रों, प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री सम्मानित शब्द है, अर्थात जो प्रधानमंत्री है ये जो है आदरणीय शब्द है, और आदरणीय को क्या है, प्रदान नहीं किया जाता बल्कि अर्पित किया जाता है, समर्पित किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा शुद्ध होगा, यहाँ पे प्रदान की जगह में शुद्ध शब्द होना चाहिए, अर्पण या अर्पित होना चाहिए। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र दिया, क्योंकि आदर सूचक शब्द है प्रधानमंत्री। हमारी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह होने जा रहा है। अब देखिये, पुत्री बात आ गई, लेकिन सौभाग्यवती शब्द क्या, अब विवाह होने जा रहा है, सौभाग्यवती तो विवाहित जो है, पुत्री या विवाहित पुत्री को कहते हैं, परंतु यहां पुत्री का विवाह की बात कहा जा रहा है, इसलिए सौभाग्यवती नहीं होगा, यहां पे क्या होगा मित्रों, आयुष्मती कह सकते हैं, या सौभाग्य कांक्षिणी भी कह सकते हैं, कि पुत्री का विवाह होने जा रहा है, क्योंकि सौभाग्यवती विवाहित लड़की या विवाहित स्त्री को कहते हैं। आगे देखिए, पति पत्नी के झगड़े का हेतु नहीं होगा, ये हेतु क्या है, हेतु उद्देश्य का बोध कराता है, परंतु पति पत्नी के झगड़े का यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या होगा, यहाँ कारण इस पर जो होगा, ये हेतु नहीं होगा। ठीक है, इस समय मोहन की आयु 40 वर्ष है। आयु क्या होता है मित्रों, आयु संपूर्ण जो है काल की बताई जाती है कि हमारी आयु, लेकिन आयु की जगह में क्या होगा, वो किस अवस्था शुद्ध है, इस समय मोहन की अवस्था क्या है। ठीक है, इस समय मोहन की अवस्था 40 वर्ष है, क्या है, 40 वर्ष की है, ये जो है आयु संपूर्णता का बोध कराता है, लेकिन वो कह रहे हैं वाक्य में इस समय का बात, यानी वर्तमान में, यानी इस समय क्या है, तो वहां पे आयु नहीं बल्कि अवस्था का बोध होता है। ठीक है, तो मित्रों आज हमने आपको वाक्य संरचना और वाक्य के भेद का पूरा जो है अपनी चित्रात्मक प्रस्तुति भाषा दृष्टि सामान्य हिंदी जो मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है उसका हम पूरा विश्लेषण किए। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है टॉपिक हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा और आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी भी होगा। तो मिलते हैं मित्रों इसके बाद एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।